अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन से व्यापार बंद करने की मांग की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम चीन से अपना व्यापार क्यों नहीं बंद करते। चीन से आयात की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं भारत में बनती है, इससे चीन को सबक और भारत में रोजगार मिलेगा। दिवांग में हुई झड़प पर इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारे जवान देश की शान है, उनके शौर्य को मैं सलाम करता हूँ और ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों की एलएसी के निकट 9 दिसंबर को झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान घायल हुए थे। भारतीय सेना ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से ज्यादा समय से जारी सीमा गतिरोध के बीच पिछले शुक्रवार को संवेदनशील क्षेत्र में एलएसी पर यंगसे के पास झड़प हुई। पूर्वी लद्दाख में रिंचेन ला के पास अगस्त 2020 के बाद से भारत और चीनी सेनाओं के बीच ये पहली बड़ी झड़प है।